गाइस अभी मैं हूँ छत पे और आज है नेक्स्ट डे और फंक्शन ख़त्म हो चुका है। कल था हल्दी मेहंदी का फंक्शन अगर मैंने ना बताया तो कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई। सुबह से मैं वहीं पे था और रात में डांस वांस हुआ, आपने देखा ही होगा। हमारी तो मेमोरी कार्ड भी खो गई। हाँ यार, उसका बड़ा दुख है। मेन दुख तो ये है कि उसमें वीडियोस वगैरह कुछ नहीं थी। ब्लॉग तो मिल जाए। हाँ, मिल जाने के बाद फिर डाटा कॉपी करके फेंक देंगे। हाँ, फिर फेंक देंगे। हमने भगवान से ही बोला है कि भाई भगवान बस डाटा मिल जाए, डाटा मिल जाए, फिर मेमोरी कार्ड दोबारा फेंक देंगे। हाँ, फिर फेंक देंगे। तो गाइस आज जो है, आज वो जो शादी वादी पहले वाली पूजा, शादी से पहले जो पूजा होती है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो है आज। तो आज भी कुछ ना कुछ मजा हो गई। हमारे इधर पूजा मटकोर कहते हैं। हाँ, हमारे इधर उसको पूजा मटकोर कहते हैं। तो वो होगा आज और कल तो शादी है ही। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अभी सबको नीचे मेहंदी लग रही है, कल तो दीदी को मेहंदी लगी गई थी, अब सारे घर वालों को मेहंदी लग रही है। दोस्तों आई होप आपको गांव के व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अब गांव में लाइट चली गई है इसके ऊपर, लेकिन उसे पहले निकाल देना उसे, इसको नीचे दोनों को एक साथ इसको नीचे करने से पहले इसको निकालने से पहले उसको निकाल लेना है। अगर मान लो कि अगर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इसको इस पे छोड़ देना है। हाँ, ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं करना है उसको, रोकना मत। चलो थोड़ा पावर मिला, चलो गिरा दो, नहीं हुआ, चलो चलो। अच्छा चल, चलो पावर बना के बस। नहीं यार, अरे गया, आ गए लाइट। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हैं अपने जनरेटर रूम में और मेरे साथ है जतन, चांद और बस हम तीनों, और हमारे साथ में जनरेटर भी है और इसको अभी हमने स्टार्ट करा था। ये बहुत पुराना है, हमने नक्शा ढूंढने आए हैं। ये दोस्तों बहुत ही पुराना रूम है, देख सकते हो कितना पुराना रूम है। जमीन दिखाओ कैसी है। ये कम से कम 200 साल पुराना है और यहाँ पे खजाने का नक्शा भी हो सकता है और वो आई होप कभी ना कभी हमको मिलेगा। और वो जब मिलेगा तो बिल्कुल शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने सब्सक्राइबर्स उतने परसेंट चैनल पे बने रहिए। हाँ, चैनल पे बने रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेहंदी लग गई है अंजलि को और अनमोल को भी मेहंदी लग गई है। हाँ, ये तो रतन सिंह व्लॉग्स की गाड़ी है। ये एक प्यारा डॉगी है, जो खाता नहीं है, सिर्फ बर्बाद करता है। कुत्ते के बच्चे खाना खा रहा है, इसको कोई उठा के मुंह में दो, अरे काट लेगा उसका, खाने छीनोगे तो। नहीं नहीं, यहाँ पे मेहंदी लग रही है। मम्मी अपने आते गाना वो वाला, तैयार होके हम निकल चुके हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। अब आज तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज हमारा फंक्शन है पूजा मटकोर का, तो उसके लिए जा रहे हैं और देखते हैं आज क्या फन होता है नहीं होता है। अभी तक अभी लगन आने वाला है, तो अभी लगन आएगा और पता नहीं जो भी होगा आप लोग तो देखते रहना। और वीडियो एडिट होने ही हो पाई है तो लैपटॉप भी लेके जा रहा हूँ और चलो चलते हैं घर पे और फिर आगे की बातें आगे करेंगे। पहुँच गए यहाँ पे और गाँव में आजकल धूप बड़ी अच्छी है और ये देखो पीछे सरसों कितने बढ़िया लग रहे हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए रजीव भाई के घर पे, आप लोग नहीं हुए रेडी? देखो गाइस रजीव भाई मेरा और जतन का ड्रेस कोड एकदम सेम है ना, हम दोनों भाई हैं। आप दोनों का सेम है, आप लोग क्या पहनने आए हो? बस यही ड्रेस ये तो पहनने के भैया क्या कर रहे हो? कैमरामैन के उसमें पीठ पीछे कैमरामैन गायब है। कुछ बटन, सारे बटन दबा दो भैया, चालू तो हो ही जाएगा। बैटरी है तो उसमें? हाँ बैटरी है तो। तो गाइस हम सारे घर के बाहर ऐसी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं और मजे कर रहे हैं। देखो इससे भी मिल लो भाई, ये बड़े परेशान हो रहे हैं मिलने के। और यहाँ पे हम लोग अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं कल शादी में क्या मस्ती करनी है उसका। और बताओ भैया, आप बोलो रवि भैया। बस बढ़िया बढ़िया, आप बोला जाओगे कुछ? रजीश भैया आगे बेचारे सुबह से परेशान है। रजीश भाई का गाइस मैं पेटे नंबर दे देता हूँ उनको यार, प्लीज बहुत ज्यादा मतलब वो करो, मोटिवेट अप्रिशिएट करो उनके वर्क को। क्या आपका नाम बोलो? डेविड।
क्या था? चुराया किसका चुराया है? कंपनी हमारी है भाई, कंपनी का नाम भूल गया, तो ऐप का नाम तो स्कैनर है, बस स्कैनर। हाँ बस, बस स्कैनर नहीं, सिर्फ स्कैनर। चलो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, मतलब सारे डाउनलोड करके अच्छे रिव्यूज देना उसमें। इन भैया का सब्सक्राइबर इन, अरे यार यार मेरा काम ही है गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, ये गाइस। इन भैया का ऐप है, उसे डाउनलोड करना, अच्छे रिव्यूज दो। इन सारे लोगों का है 20-20% की इक्विटी है सबकी, ठीक है। जाएगी छोड़ कर इसकी तैयारी कर गई थी वो, गधा मुझको बनाकर घुड़ सवारी कर गई थी। वाह 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 वाह, खत्म नहीं हुआ है, पता है। साइंस त्याग कर कॉमर्स लेना तय ही था उसका, दसवीं में उधारी 800 का कर गई थी। मैंने ये क्या कर दिया, फर्स्ट क्लास के बच्चे से बनवाया क्या? ओ भाई ये कर लो पहले, हाँ ये कर लो पहले। हाँ ऑन है। हेलो हेलो हेलो, गेस्ट किया क्या दर्शक भाइयों, भाइयों बहनों, यूट्यूब ऐप खोले और रतन सिंह ब्लॉग्स, मैं रिपीट करता हूँ, रतन सिंह ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अरे भैया बेल आइकन छूट गया, बेल बेल घंटा दबाना ना भूले, ऑल के करने के लिए। इस पीछे पूजा स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग बाहर से अंदर आ चुके हैं क्योंकि ओस गिरने लगी है और अभी भी अपना डिस्कशन चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ पूजा के शॉर्ट्स। गाइस यहाँ पे वो पूजा स्टार्ट हो चुकी है और ये दीदी हमारे आ रही है, ये पूजा हो रही है। और गाइस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हेलो बोल लो, हेलो हेलो, और यहाँ पे गाइस पूजा हो रही है, सब्सक्राइब करिएगा जरूर और स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लें, हां जरूर जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस बाहर हो रही है पूजा और मतलब वो कुछ होता है शादी का, वो कुछ रिचुअल है तो वो हो रहा है और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बाहर, तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ ब्लॉग को शूट करने और बस अभी चली रही है, मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी देर में डीजे स्टार्ट हो जाएगा, फिर से सब लोग डांस करेंगे और यहाँ पे रजीश भाई भी आ गए। ये क्या ले आए हो गाइस? ये चने मिले हैं, मिंटू भैया लो चने ले लो प्रसाद। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, मिंटू भैया, सुमित भैया और मैं, हमें भूख लगी थी, बाकी सबको भूख नहीं लग रही थी, तो मेरा मन कर रहा है लिट्टी खाने का क्योंकि मैं बिहार में आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरे को लिट्टी नहीं मिली है, तो लिट्टी की क्रेविंग हो रही है और देखते हैं कुछ और कुछ खाने को मिल जाए तो, क्योंकि शादी का खाना अभी मतलब जो ये बना रहे हैं हलवाई वो तो बढ़ ही रहा है लेकिन अभी जो एक स्नैक्स होता है ना वो मिसिंग है बस। गाइस मैं फ़ोन ले जाना भूल गया था, गाड़ी में रह गया था फ़ोन, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, तो हमने खा लिए लिट्टी और अब चल रहे हैं। थोड़े बहुत फंक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, पूजा वगैरह तो हो ही गई, अब थोड़ा फंक्शन से स्टार्ट हो गया और खाना पीना स्टार्ट हो गया है तो अब चल रहे हैं घर, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता और है। गाइस यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है, रवि भैया खाना बांट रहे, रवि भैया देखो। बस अभी जो आप नेक्स्ट क्लिप देखोगे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, कई लोगों को लगेगा क्या पागलपंती है या फिर क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आएगा, जो मतलब बिहार से बिलोंग नहीं करते उनको लगेगा क्या बदतमीजी कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, समझ नहीं आएगा। तो मैं बता दूं कि बिहार में ना मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में, बता नहीं मोस्ट ऑफ द या फिर सारी फैमिलीज में, मेरे को लग रहा है सारी फैमिली में ही होता होगा, तो जो मटकोर वाला दिन होता है ना, जो पूजा मैंने आपको बोला, उस दिन ना शाम में थोड़ी मस्ती मजाक होता है, जिनका भी जैसे कि मजाक का रिश्ता लगता है, मजाक का रिश्ता इन द सेंस जैसे कि जीजा साले का हो गया, जीजा साली का हो गया, उनमें मतलब मजाक चलता है, देवर भाभी का हो गया, तो इस टाइप के जो भी रिश्ते होते हैं मतलब जिनमें मजाक वजाक कर सकते हैं तो उन सब हम मतलब मस्ती करते हैं, मतलब परेशान करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि जैसे गंदा बोरा डाल दिया तो उससे क्या होगा कि उसकी गंदगी मतलब ऊपर चढ़ जाती है, मतलब धूल वूल, तो उससे मुंह हाथ धोने पड़ेंगे, नहाना पड़ता है, सूखा आटा रगड़ देते हैं मुंह पे, मतलब शर्ट के अंदर डाल दिया, कुछ कर दिया, मतलब जैसे परेशानी हो, मतलब इरिटेशन हो जाए, तो इस तरीके से मस्ती मजाक करते हैं, उससे परेशानी हो जाएगी, नहाना पड़ेगा, मुंह हाथ धोने पड़ेंगे, तो इस तरीके से मस्ती मजाक करते हैं। तो जो आप क्लिप में देखोगे वो हमारी जीजू हैं और हम सब उनके साले सालियाँ थे,
तो ऐसे ही इसलिए मस्ती मजाक कर रहे थे, उनने भी किया हमने भी किया, तो ये कॉमन है। जिनको मतलब जो बिहार से बिलोंग नहीं करते उनको थोड़ा सा लगेगा क्या हो रहा था, लेकिन अब इस क्लिप के थ्रू उनको पता चल जाएगा। तो ये बिहार का एक तरीके से रिचुअल समझ लो या होता आ रहा है, तो ये है। और अब आप क्लिप एंजॉय करो। सो गाइस, आज है 7th of February और आज है शादी। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा मैं बना नहीं पाया क्योंकि कई काम थे, लोग आए थे, गेस्ट आए थे काफी सारे, गांव वाले भी थे, उन सबको खाना भी खिलाना था, पूजा का, ये सब बहुत सारे काम थे, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया। तो इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और शादी वाले ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला ब्लॉग खत्म करो और शादी वाला ब्लॉग कल आएगा, उसको एंजॉय करना।